हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में लेने वाला हूँ कुछ कमेंट्स को। दरअसल मैं कहना चाहूँगा कि ये कोई नॉर्मल कमेंट्स नहीं लेने वाला हूँ मैं। कुछ महान जीव जंतु होते हैं जो कि इस तरह के कमेंट्स को कर जाते हैं, लिख के चले जाते हैं, तो इन्हीं कमेंट्स को मैं लेने वाला हूँ, ठीक है। तो आप लोग भी देखिए कैसे कैसे प्राणी मौजूद है हमारे समाज में। खैर, मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि जितने भी कमेंट मैं लेने वाला हूँ ये सारे स्ट्रेट बंदों के द्वारा लिखे गए हैं, यानी हमारा LGBT में से कोई भी नहीं है, ये सारे स्ट्रेट लोगों ने लिखे हैं। तो क्या क्या कमेंट लोग लिखते हैं चलिए आप भी देखिए। पहला कमेंट इन्होंने लिखा हुआ है, ओ माय गॉड लॉट्स ऑफ गेज। इनको बहुत ज़्यादा हंसी है, इन्होंने लिखा कितने सारे गे इनको देखने को मिले हैं, तो इस वजह से ये बहुत ज़्यादा हंसे हैं। तो मैं कहना चाहूँगा इनको कि चलो भाई, हमारी वजह से तुम्हें खुशी तो हुई है, इतना ही काफ़ी हमारे लिए। और ये तो खुशी नहीं, ये तो बहुत ज़्यादा हंसी लग रही है, पूरे 5-5 बार हंसे हैं ये तो बहुत ही ज़्यादा हंसी है। तो चलो, हमारी वजह से किसी को हंसी तो आई, इतना ही काफ़ी है। अगले कमेंट की तरफ चलते हैं। हाँ माना तेरी अपनी खुद की जिंदगी है, लेकिन समाज में गंदगी क्यों फैला रहा है। ये भी स्ट्रेट लोग द्वारा लिखा गया जी। एक्चुअली जितने भी कमेंट हैं सारे उन्हीं के द्वारा लिखे गए हैं। इसने कहा कि हाँ माना तेरी खुद की जिंदगी है, लेकिन समाज में गंदगी क्यों फैला रहा है। मतलब यार, स्ट्रेट लोगों, मैं कहना चाहूंगा, अगर तुम करो तो टॉपिक डिस्कशन, तुम करो तो टॉपिक डिस्कशन, और हम करें तो गंदगी। वाह वाह जी वाह, यही कहूंगा कि भगवान तुम्हें बुद्धि दे। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कमेंट जो है ये लिखा है इन्होंने, जो मन में आए वो बक दिए। हाँ, मेरे मन में जो भी आता है ना, वो मैं बक देता हूँ। एक्चुअली दरअसल ना, ये मेरे में बहुत ज़्यादा टैलेंट है कि मैं ना कुछ भी बक देता हूँ। तो बट मुझे बहुत ज़्यादा शॉकिंग लगा गाइस देख करके कि ये लगता है कि मुझसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हुए हैं, तभी तो ये खुद बक के चले गए कमेंट में, आप लोग देख सकते हैं। तो ये मुझसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हो रहे हैं, तो थैंक यू यार बोलिए। अगर आप मेरे से इंस्पायर्ड हो रहे हैं लिखने के लिए, बकने के लिए, तो मुझे थैंक यू तो बोलो, कम से कम क्रेडिट तो दिया करो यार थोड़ा सा। नेक्स्ट कमेंट इन्होंने लिखा है, अच्छा हुआ मैं बॉय हूँ, गे पागल हैं। जो गे होते हैं वो बॉय नहीं होते क्या? I mean, guys, मुझे तो समझ नहीं आ रहा मैं इनको क्या बोलूँ। मेरी तरफ से आप ही इनको कुछ बोल दो, क्योंकि मुझे तो वही समझ में नहीं आ रहा इनको क्या रिप्लाई दूँ। आगे नेक्स्ट कमेंट की तरफ बढ़ते हैं। इन्होंने लिखा है, आई रियली लाइक किसिंग इन लिप्स, और ये बहुत ज्यादा किस करके चुम्मा करके चले गए कमेंट में किसी को। समझ रहे हो ना बस यार, ये तो अपनी फैंटसी, क्या यार आप अपनी फैंटसी बता के चले गए यहाँ पे, हद होती है यार, कैसे कैसे लोग आ जाते हैं कमेंट लिखने। नेक्स्ट कमेंट इज इन्होंने लिखा है, गे। इनको गे वर्ड सुनते ही मतलब इतनी ज्यादा हंसी आई है कि क्या बताऊं। चलो हंसो भाई हंसो, लेकिन आराम से हंसो, हम तो है ही सर्कस वाले, हंसो। नेक्स्ट कमेंट इज इन्होंने लिखा है, तो क्या है बता, मैं एक पहेली हूँ, बूझो तो जानू। नेक्स्ट कमेंट इज इन्होंने लिखा है, तो खुद गे ही है। इसको उनको बहुत ज़्यादा हंसी आई है, लिख के गए कि तू खुद गे ही है, और बहुत ज़्यादा हंस गए हैं। मैं इनसे एक चीज़ कहना चाहूँगा कि मुझे नहीं लगता कि ये बुद्धि नाम की चीज़ से परिचित हैं, क्योंकि अगर ये बुद्धि नाम की चीज़ से परिचित होते ना, तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि इसमें साफ साफ लिखा हुआ है गे प्रेम। तो मतलब थोड़ा सा भी इनके अंदर बुद्धि होती है, साफ पता चल जाता है इनको कि हाँ ये गे का ही चैनल है, साफ साफ लिखा हुआ गे प्रेम। तो मतलब यार थोड़ा सा कॉमन सेंस का यूज़ किया करो, कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं, मैं ये कहना चाहूँगा यार। खैर, इस वीडियो में इतना ही है, इतना ही कमेंट्स हैं, एंड आपका क्या कहना है इन कमेंट और इन बंदों के ऊपर, एंड ऑफकोर्स जितने भी लोग थे स्ट्रेट थे ये सारे के सारे, तब इस अजीब गरीब कमेंट्स को लिख के चले गए थे, क्या कहना आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। एंड वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर सकते हैं, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, चाहे तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, चलिए बाय बाय।